तो गाइस स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं काफी सारी अपडेट्स के बारे में। मतलब वीडियो के अंदर भर भर के बहुत सारी अपडेट्स होने वाली हैं। थ्री बिग रिटर्न के बारे में, जो कि WWE के अंदर तीन सुपरस्टार बहुत ही जल्दी अपना कमबैक करने वाले हैं। रोमन रिंग्स, ब्रॉक लेसनर के रसलमीनिया मैच के बारे में, डैनियल ब्रायन के हॉल ऑफ फेम के अंदर आने में जो कि अनाउंस हो चुका है, इसके अलावा और भी बहुत सारी अपडेट्स होने वाली हैं वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना। तो गाइस पे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें आज की रॉ के बारे में, जो कि आज का रॉ का एपिसोड यहाँ पर खत्म हो चुका है। कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपको आज का रॉ का एपिसोड कैसा लगा। आज के एपिसोड में तो ज़्यादा उतना कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट वीक का शो होने वाला है, जो कि गो होम एडिशन होने वाला है यहाँ पर मंडे नाइट रॉ का, जो कि एलिमिनेशन चेंबर से पहले का लास्ट एपिसोड आएगा, उसके लिए WWE ने काफ़ी सारी चीज़ों को अनाउंस कर दिया है। एक तो भाई पार्टी होने वाली है नेक्स्ट वीक, जहाँ पर हमारे जो आर के ब्रो हैं रैंडी ऑर्टन और रिडल, वो यहाँ पर पार्टी करने वाले हैं और एक अलग ही टाइप का कुछ सेगमेंट इनका हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच होने वाला है एज स्टाइल्स वर्सेज डेमियन प्रीस्ट के बीच में। आज इनका एक नंबर वन कंटेंडर का मैच हुआ था, जो कि यहाँ पर एज स्टाइल जीत गए। अब नेक्स्ट वीक यहाँ पर स्टाइल्स को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है US टाइटल की, और क्या पता है वहाँ पर वो चैंपियन भी बन जाए। वैसे जो लोग चाहते थे एज स्टाइल्स को सिंगल्स में देखना, अब यहाँ पर एज स्टाइल्स आ चुके हैं और नेक्स्ट वीक यहाँ पर उनको चैंपियनशिप का मैच भी मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न है वो अनाउंस कर दिया गया है नेक्स्ट वीक की रॉ के लिए। ब्रॉक लेसनर यहाँ पर कमबैक करने वाले हैं अपना, और एलिमिनेशन चेंबर से पहले का लास्ट एपिसोड होने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको ब्रॉक लेसनर का पूरा यहाँ पर शेड्यूल बताया था, कब कब यहाँ पर वो रॉ के लिए एडवर्टाइज है, तो नेक्स्ट वीक यहाँ पर वो आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक का शो देखेंगे, जो कि चेंबर से पहले का लास्ट एपिसोड होने वाला है, उसके अंदर WWE क्या कुछ कमाल धमाल करती है। अगली अपडेट भी वैसे हमारी रॉसी है, जो कि आज हमने देखा था एलेक्सा ब्लिस का भी जो सेगमेंट दिखाया जा रहा है उनके थेरेपीज वाले, वहाँ पर आपने अगर एक चीज़ नोटिस करी तो अब जो एलेक्सा ब्लिस का लुक है वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया। और मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था ना कि यहाँ पर जो WWE है वो उनके गॉडेस वाले गिमिक को वापस लेके आने वाली है, मतलब जो इनका जो ईविल वाला गिमिक चल रहा था वो अब साइड में हट जाएगा और उनका जो पहले वाला गिमिक हुआ करता था गॉडेस वाला, वो यहाँ पर वापस आने वाला है। तो आज इनके जो लुक था एलेक्सा ब्लिस का वो थोड़ा गॉडेस वाली लग रहा था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। धीरे धीरे मुझे लग रहा है WWE इनके ऊपर काम कर रही है और एकदम शायद यहाँ पर जो एलेक्सा ब्लिस है वो कुछ टाइम बाद अपने गॉडेस वाले गिमिक के अंदर अपनी वापसी करेंगी। इसके अलावा यहाँ पर WWE ने एलिमिनेशन चेंबर का जो विमेंस का मैच है वो भी यहाँ पर अनाउंस कर दिया, जहाँ पर नंबर वन कंटेंडर का ये मैच होने वाला है, और जो भी यहाँ पर इस मैच को जीतेगा वो रसलमेनिया के अंदर फेस करेगा हमारी चैंपियन बेकी लिंच को। तो सुपरस्टार्स यहाँ पर इस मैच के लिए अनाउंस कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्पॉट रह गया, जो कि WWE अभी उन्होंने अनाउंस करा नहीं है। क्या पता वो कोई सरप्राइज हमें देखने को मिले एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ही वो सुपरस्टार रिवील हो। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ एलेक्सा ब्लिस भी अपना कमबैक कर सकते हैं, तो हो सकता है एलेक्सा ब्लिस यहाँ पर स्पॉट के अंदर आ जाएँ। तो ये कुछ चीज़ें अनाउंस हो चुकी हैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए, और एलेक्सा ब्लिस का ये कुछ लुक यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगली अपडेट की अगर बात करें तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो बिगी है वो यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर आ रहे हैं, और WWE ने अंदर ही अंदर यहाँ पर उनको स्मैकडाउन के ऊपर मूव कर दिया है। अभी वैसे हमने देखा था कि यहाँ पर वो रॉक के ऊपर ड्राफ्ट हो गए थे, ड्राफ्ट जब आया था WWE का तब यहाँ पर वो ड्राफ्ट हो गए थे, लेकिन WWE ने अभी वो हम देख रहे हैं ना उनको स्मैकडाउन के शोज में लेके आ रही है, कोफी किंगस्टन के साथ यहाँ पर वो आ चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर माना जा रहा है कि वो अंदर ही अंदर स्मैकडाउन के ऊपर मूव हो चुके हैं, लेकिन WWE की वेबसाइट के ऊपर सुपरस्टार्स का जो लिस्ट का सेक्शन होता है उसमें यहाँ पर ये रॉ के सुपरस्टार की लिस्ट के अंदर ही फीचर किए जा रहे हैं। लेकिन अब WWE ने इस चीज़ को अपडेट कर दिया है और जो बिगी है वो यहाँ पर रॉ के सुपरस्टार की लिस्ट में नहीं है, मतलब वहाँ से वो हट चुके हैं, और स्मैकडाउन के जो सुपरस्टार का सेक्शन है उसमें यहाँ पर बिगी आ चुके हैं। तो WWE ने इस चीज़ को अपडेट कर दिया और जो बिगी है वो ऑफिशियल तरीके से यहाँ पर पार्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन का। वही मैं कह रहा था पहले भी, मैंने आपको बोला था कि ड्राफ्ट का फिर मतलब क्या होता है जब सुपरस्टार उसके बाद भी यहाँ पर इधर से उधर चले आते हैं, तो ये चीज़ समझ में आती नहीं है। तो बिगी यहाँ पर वापस से आ चुके हैं स्मैकडाउन के ऊपर, और फिर से यहाँ पर जो न्यू डे टीम है वो रीयूनाइट हो सकते हैं, क्योंकि अब तो उनके जो तीनों मेंबर्स हैं वो सेम ब्रांड के ऊपर आ चुके हैं। बिगी यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर चले गए, जो कि WWE ने भी यहाँ पर इस चीज़ को बता दिया है। और WWE ने यहाँ पर जो रॉ का बैनर है उनकी वेबसाइट के ऊपर बैनर्स आते हैं उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, जहाँ पर पहले यहाँ पर बिगी फीचर थे पोस्टर के ऊपर बैनर के ऊपर, लेकिन अब यहाँ पर बॉबी लेस्ली आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पर वो स्टैम पर WWE चैंपियन है। तो ये WWE ने कुछ अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट किया है, जो कि यहाँ पर बताना आपको कैसा लगा, मतलब इसके बारे में नहीं लेकिन बिगी स्मैकडाउन के ऊपर आ चुके हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है। अगली अपडेट की अगर बात करें तो गाइस यहाँ पर WWE ने अनाउंस कर दिया, WWE ने तो नहीं लेकिन यहाँ पर जो उनका अगला लाइव इवेंट होने वाला है MSG के अंदर, यानी कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर उनका एक लाइव इवेंट होने वाला है 5 मार्च को, उसके लिए यहाँ पर WWE ने अनाउंस कर दिया रोंडा राउजी को। मतलब WWE ने नहीं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ MSG का जो ट्विटर अकाउंट है उसी ने इस चीज़ को यहाँ पर रिवील करा कि रोंडा राउजी यहाँ पर उस इवेंट के अंदर आने वाली हैं,
और MSG का हम शो जानते हैं, चाहे वो रॉ स्मैकडाउन हो गया या फिर लाइव इवेंट भी हो गया, WWE किस लेवल पे उनको फीचर करती है, मतलब वो एक अलग ही लेवल के शोज होते हैं। तो रोंडा राउज यहाँ पर उस शो के ऊपर आने वाली है, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे और सुपरस्टार्स हैं जो कि यहाँ पर उस शो के लिए फीचर किए जा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो रोमन रिंग्स है, यहाँ पर पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा कह सकते हो नेम है, शॉकिंग भी है, जो कि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का, ब्रॉक लेसनर को यहाँ पर हम देखते हैं, वैसे यहाँ पर वो लाइव इवेंट्स के अंदर बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं है, लेकिन WWE यहाँ पर उनको फीचर कर रही है MSG के शो के लिए, यानी कि लाइव इवेंट के अंदर ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो MSG के शो होते हैं वो कितने ज़्यादा बड़े होते हैं, कि ब्रॉक लेसनर भी भाई उस शो के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट है यहाँ पर ब्रॉक लेसनर रोंडा राउजी को लेकर, जो कि यहाँ पर लाइव इवेंट्स के अंदर आने वाले हैं, और भी काफ़ी सारे सुपरस्टार्स यहाँ पर उस शो के लिए एडवर्टाइज हैं। आपका क्या कहना है ब्रॉक लेसनर के बारे में, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली अपडेट के बारे में बात करें तो गाइस यहाँ पर रसलमीनिया हम जानते हैं बस आ गया यहाँ पर, और कुछ मैचेस भी यहाँ पर WWE ने कंफर्म कर दिया है, यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच, स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप का मैच है यहाँ, लेकिन यहाँ पर जो WWE चैंपियनशिप का मैच है उसको लेके अभी तक हमें पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सा मैच रसलमीनिया के अंदर हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने बात की थी कि बॉबी लेसली यहाँ पर चैंपियन बन गए, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर वो रसलमीनिया के अंदर किस सुपरस्टार को फेस करेंगे। बॉबी WWE का यहाँ पर 27 मार्च को यहाँ पर एक लाइव इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर WWE कुछ मैचेस को एडवर्टाइज कर रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो बॉबी लेसली का यहाँ पर मैच फीचर किया जा रहा है AJ स्टाइल्स और सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट। इसके साथ ही यहाँ पर बैकी लिंच का भी मैच फीचर किया जा रहा है रिया रिपली और बियंका बेलेयर के अगेंस्ट। यहाँ पर ये कुछ स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि WWE ने शायद यहाँ पर कुछ हिंट दिया है, या फिर इन मैचेस से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर रसलमीनिया के अंदर कौन से मैचेस हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर जो रसलमीनिया के अंदर मैचेस होते हैं और लाइव इवेंट के अंदर WWE कुछ मैचेस कराते हैं, उनका कनेक्शन होता है मेन रोस्टर से, और WWE यहाँ पर रसलमीनिया से पहले इन मैचेस को एडवर्टाइज कर रही है लाइव इवेंट के लिए। तो हो सकता है यहाँ पर रसलमीनिया के अंदर बॉबी लेसली का मैच हमें देखने को मिले सेथ रॉलिंस और एजी स्टाइल्स के अगेंस्ट। अब ये ट्रिपल मैच भी हो सकता है या फिर 1-on-1 मैच भी हो सकता है यहाँ पर बॉबी लेसली का किसी सुपरस्टार के साथ में। तो WWE यहाँ पर इन मैचेस को एडवर्टाइज करी और बैकी लिंच का भी हमने सुना था कि यहाँ पर वो बियंका बेलेयर को फेस कर सकती हैं, तो क्या पता WWE उस मैच के अंदर रिया रिपली को भी ऐड कर दे। तो ये कुछ यहाँ पर पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है। वैसे कमेंट करके बताना कि बॉबी लेसली का आप मैच किस सुपरस्टार के साथ देखना चाहोगे रसलमीनिया के अंदर, आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि इन मैचेस से कुछ WWE कनेक्शन बना सकती है रसलमीनिया का, आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट की बात करें तो गाइस यहाँ पर ब्रायन डेनियलसन इस टाइम पे हम जानते हैं AEW के सुपरस्टार हैं, और WWE से तो यहाँ पर वो चले गए थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर सोचते होंगे कि यहाँ पर क्या फ्यूचर में कभी यहाँ पर डैनियल ब्रायन WWE की हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होंगे, क्योंकि हम जानते हैं WWE के अंदर उन्होंने क्या कुछ कमाल धमाल कराए, और बिल्कुल यहाँ पर फ्यूचर वो हॉल ऑफ फेमर हैं, बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं इसमें यहाँ पर इंडक्ट होना। लेकिन अभी तो यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है नहीं है, अभी WWE के अंदर तो नहीं, लेकिन ROH यानी कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर यहाँ पर डैनियल ब्रायन जो है वो इंडक्ट होने वाले हैं, यानी कि जो उनकी हॉल ऑफ फेम सेरेमनी है वो यहाँ पर होने वाली है, जिसके अंदर ROH ने अनाउंस करा है कि यहाँ पर वो ब्रायन डैनियलसन को इंडक्ट करेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है ब्रायन डैनियलसन के लिए, उनका करियर काफ़ी बड़ा रहा है और अलग अलग कंपनीज के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी कमाल कमाल की चीज़ें करी हैं। तो ब्रायन डैनियलसन यहाँ पर ROH की जो कि इनॉग्रल यहाँ पर ये हॉल ऑफ फेम सेरेमनी होने वाली है, इसके अंदर यहाँ पर इंडक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने जो उनकी ब्रिस्को टैग टीम है उसको भी यहाँ पर अनाउंस करा है कि वो भी यहाँ पर इंडक्ट होने वाले हैं, और अभी तो काफ़ी सारे और भी नेम्स निकल के आएंगे आगे चल के, उसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से सुपरस्टार और यहाँ पर इंडक्ट होते हैं। लेकिन ब्रायन डैनियलसन जो कि इस टाइम पे हम जानते हैं AEW के सुपरस्टार हैं, वो ROH की यहाँ पर हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होने वाले हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, और क्या आप देखना चाहोगे कि वो फ्यूचर में WWE की हॉल ऑफ फेम सेरेमनी के अंदर भी इंडक्ट हो, आपका जो भी कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली अपडेट की हम बात करें चूँकि गाइस यहाँ पर WWE के 3 बड़े सुपरस्टार के रिटर्न के बारे में, चूँकि बहुत ही जल्दी हमें अपना कमबैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं, मतलब रसल लेने से पहले इन सुपरस्टार्स का रिटर्न हो सकता है जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। और यहाँ पर ये 3 सुपरस्टार हैं आस्का बेली और इसके साथ ही लेसी एवेंस। यहाँ पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर माना जा रहा है कि यहाँ पर जो आस्का बेली है वो यहाँ पर रसलमीना के लिए बहुत ही जल्दी अपना कमबैक कर सकती हैं। इसके साथ यहाँ पर लेसी एवेंस भी जो है वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुकी हैं अपने यहाँ पर WWE रिटर्न के लिए। तो ये 3 यहाँ पर रिटर्न है जो कि माने जा रहे हैं कि WWE रसलमीना से पहले इन सुपरस्टार्स को लेके आ जाएगी। वैसे मैंने यहाँ पर सोचा था कि यहाँ पर रॉयल रंबल के अंदर यहाँ पर ये 3 सुपरस्टार अपना कमबैक कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर WWE रसलमीना से पहले इनको लेके आ रही है तो काफ़ी अच्छी बात है। रसलमीना के अंदर यहाँ पर ये 3 सुपरस्टार फीचर होंगे, ऑडियंस के सामने यहाँ पर इनको आने का मौका मिलेगा, जो कि हम जानते हैं अभी तक यहाँ पर
शायद बेली, आस्का और लेसी एवन, यही 3 सुपरस्टार हैं जो कि ऑडियंस के सामने यहाँ पर आए नहीं है, क्योंकि जब ये गए थे WWE से तब यहाँ पर WWE की ऑडियंस आई नहीं थी, तब तो यहाँ पर थंडर डोम ही चल रहा था। तो माना जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी ये अपना कमबैक कर सकते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर कब तक ये 3 सुपरस्टार्स अपना कमबैक करते हैं। अगली अपडेट की अगर बात करें जो कि कैसे यहाँ पर रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर के मैच के बारे में, जो कि यहाँ पर हम जानते हैं कि कंफर्म हो चुका है, अनाउंस हो चुका है रसल मीने के लिए। अब पहले तो काफ़ी सारे यहाँ पर रूमर्स आ रहे थे, स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि यहाँ पर इन दोनों का एक टाइटल वैसे टाइटल मैच होगा, और ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पर सीधा रोमन रिंग्स को चैलेंज ही कर दिया था, और अभी भी यहाँ पर वो यही बोल रहे हैं कि चेंबर के अंदर यहाँ पर वो चैंपियन बनेंगे और फिर वो रोमन रिंग्स को चैलेंज करेंगे एक टाइटल वैसे टाइटल मैच के लिए। लेकिन यहाँ पर WWE का ऐसा कोई भी प्लान नहीं कि टाइटल वैसे टाइटल मैच कराने का रसलमीना के अंदर। इसके साथ ही यहाँ पर डेव मेल्जर बता रहे हैं कि यहाँ पर WWE इन दोनों सुपरस्टार्स को काफ़ी यानी स्ट्रॉन्ग बुक करने वाली है रसलमीना तक, मतलब जितना हो सके WWE अपना पूरा जोर लगा देगी इन दोनों सुपरस्टार को, काफ़ी यानी उनको स्ट्रॉन्ग बुक करना है, क्योंकि WWE का इसके पीछे आइडिया ये है कि WWE को यहाँ पर इन दोनों सुपरस्टार्स का जो मैच है रसलमीना के अंदर उसको यहाँ पर बिगेस्ट मैच ऑफ द ईयर बनाने का, और WWE यहाँ पर इसको एक ड्रीम मैच की तरह भी कंसिडर कर रही है। तो देख सकते हो आप WWE किस लेवल पे यहाँ पर इस मैच को बुक करने वाली है, और रसलमीना थिंक यहाँ पर इन दोनों सुपरस्टार्स की क्या बुकिंग चलने वाली है। अब जब मैंने यहाँ पर ये चीज़ देखी कि भाई WWE इनको काफ़ी है ना स्ट्रॉन्ग बुक करेगी, तो मेरे माइंड में यही चीज़ आ रही है कि चेंबर के अंदर यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का क्या होगा, कौन उनको पिन करेगा, और अगर वहाँ पर वो चैंपियन बन जाते हैं तो भाई फिर क्या होगा। तो ये कुछ यहाँ पर रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, बाकी कमेंट करके बताना कि आपको क्या लग रहा है रसलमीना का जो इनका इतना बड़ा मैच होने वाला है कौन इसको जीतेगा, और आप क्या टाइटल वैसे टाइटल मैच देखना चाहोगे या फिर सिंपल आप बस यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच देखना चाहोगे। आपका जो भी कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर ऐसी कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलती रहती है। तो आज के तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।